साथ देश और विदेश की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ वायरल न्यूज में शाहीन खान। तो नजर डालते हैं खबरों पर। खबर राजनीति से जुड़ी हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने नागपुर में बयान दिया कि मुस्लिम समुदाय को उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। पवार ने ये भी कहा कि मुस्लिम समुदाय में ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं कि इस देश की जनसंख्या में उनकी एक बड़ी भागीदारी होने के बावजूद उन्हें उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। मुस्लिमों को नहीं मिल रहा उचित हिस्सा। जी हाँ, खबर राजनीति से जुड़ी हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने नागपुर में बयान दिया है कि मुस्लिम समुदाय को उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। पवार ने भी कहा कि मुस्लिम समुदाय के ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं कि इस देश की जनसंख्या में उनकी एक बड़ी भागीदारी होने के बावजूद उन्हें उचित हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, बता दें कि विदर्भ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फोरम की ओर से आयोजित भारतीय मुसलमानों के सामने मुद्दे विषय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उर्दू की तरफदारी की, लेकिन राज्यों की मुख्य भाषा की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने इस संदर्भ में केरल की स्थिति का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के बीच ये भावना है कि देश की जनसंख्या में बड़ी भागीदारी उनकी होने के बावजूद उन्हें उनका उचित हिस्सा, उचित हक नहीं मिल रहा है, जो कि वाकई एक सच्चाई भी है और इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि कैसे उन्हें उनका उचित हिस्सा मिल पाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समुदाय उर्दू के माध्यम से कला, काव्य और लेखन में बड़ा योगदान कर सकता है क्योंकि उनके सदस्यों में गुणवत्ता और दक्षता है, लेकिन उन्हें सहयोग और समान अवसर की जरूरत है। खबर है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में थाना कोतवाली नानपारा के अंतर्गत बारावफात के जुलूस में भगड़वा मासूपुर गांव में बिजली की एचटी लाइन चपेट में आने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अब खबर उत्तर प्रदेश से है। जी हां, उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में थाना कोतवाली नानपारा के अंतर्गत बारावफात के जुलूस में भगड़वा मासूपुर गांव में बिजली की एचटी लाइन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में बहराइच जनपद के थाना कोतवाली नानापार के अंतर्गत बारावफात के जुलूस में भगड़वा मासूपुर गांव में बिजली की एचटी लाइन की चपेट में आने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 लोग झुलस भी गए हैं। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा लाया गया है, जहां उनका इलाज भी चल रहा है। 3 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है और घटना रविवार सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि सुबह के समय जब बारावफात का जुलूस आ रहा था, उसी समय जुलूस में शामिल ठेले पर लगी लोहे का रॉड 11,000 की बिजली लाइन से टच हो गया। इसको लेकर चल रहे लोग चपेट में आ गए, जिसमें से मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि हम बता दें कि एक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। अब खबर गुजरात से जुड़ी हुई है। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रतिस्पर्धा सख्ता होता जा रहा है। कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर शनिवार को अज्ञात लोगों ने हमला कर डाला। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। राहुल गांधी ने इस हमले को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। खबर है गुजरात से। तो गुजरात विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रदेश का राजनीतिक माहौल हिंसक सा होता जा रहा है। कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर शनिवार को अज्ञात लोगों ने हमला कर डाला। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। राहुल गांधी ने इस हमले को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। जी हां, गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस भी भाजपा को टक्कर देने के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन इसी के साथ ही उनके नेताओं पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को नवसारी जिले के खेरगांव कस्बे में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर हमला किया गया। इस हमले में उनकी आंख पर गंभीर चोटें आई है, साथ ही उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। कांग्रेस विधायक और आदिवासी नेता अनंत पटेल के समर्थन में शनिवार रात प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शनकारियों ने एक दुकान में आग लगा डाली और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों भी तोड़फोड़ की। खबर है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के दौरान जुड़ी हुई है। जी हां, यूक्रेन के साथ युद्ध में लगातार लग रहे झटकों के बीच अब रूस ने अपना मिलिट्री कमांडर बदल डाला है। रूस ने यूक्रेन पर निर्णायक विजय हासिल करने की हुंकार के साथ जनरल सेगरी सुरोविकिन को नया मिलिट्री कमांडर नियुक्त किया है। वे यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रही जॉइंट ग्रुपिंग फोर्सेस के कमांडर होंगे, साथ ही तीनों सेनाओं के बीच तालमेल के साथ अपने मिशन को अंजाम देंगे। खबर है यूक्रेन से। तो यूक्रेन के साथ युद्ध में लगातार लग रहे झटकों के बीच अब रूस ने अपना मिलिट्री कमांडर बदल डाला है। रूस ने यूक्रेन पर निर्णायक विजय हासिल करने की हुंकार के साथ जनरल सेगरी सुरोविकिन को नया मिलिट्री कमांडर नियुक्त किया है। वे यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रही जॉइंट ग्रुपिंग फोर्सेस के कमांडर होंगे, साथ ही तीनों सेनाओं के बीच तालमेल के साथ अपने मिशन को अंजाम देंगे। बता दें, जनरल सेगरी सुरोविकिन मूल रूप से रूस के पूर्वी राज्य साइबेरिया के
रहने वाले हैं, उन्हें तजाकिस्तान में वर्ष 2090 में हुए संघर्ष और चेचनिया युद्ध लड़ने का भी अनुभव है। वे वर्ष 2015 में सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में चलाए उर्स के मिलिट्री ऑपरेशन के भी प्रमुख रहे हैं। फिलहाल वे दक्षिण यूक्रेन में रूसी सेनाओं को लीड कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें पूरे अभियान का प्रमुख बना दिया गया है। उनकी जगह किन कमांडर को हटाया गया है इसके बारे में रशियन मीडिया ने कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जनरल अलेक्जेंडर डवोनिरको की जगह सर्गेई सुर्विकिन को तैनात किया गया है। यूक्रेन से जंग के बीच कमांडर बदले जाने की ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब रूसी सेनाएं एक एक करके अपने जीते गए इलाकों को यूक्रेनी सेना के हाथों गंवा रहे हैं। खबर है सीने जगत से, तो बता दें कि कई अभिनेत्रियां इस्लाम की राह पर चलने के लिए फिल्मी दुनिया को अलविदा कह चुकी है। इन अभिनेत्रियों में सना खान और जायरा वसीम का नाम तो शामिल है, जिसके बाद इन्हीं अभिनेत्रियों की लिस्ट में अब एक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री भी शामिल हो गई है। सीने जगत से जुड़ी है खबर। जी हाँ, सिनेमा जगत की कई अभिनेत्रियां इस्लाम की राह पर चलने के लिए फिल्मी दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। इन अभिनेत्रियों में सना खान और जायरा वसीम का भी नाम शामिल हो गया है। इसके बाद इन्हीं अभिनेत्रियों की लिस्ट में अब एक और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री भी शामिल हो गई है। बता दें कि सिनेमा जगत की कई अभिनेत्रियां इस्लाम की राह पर चलने के लिए फिल्मी दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। इन अभिनेत्रियों में सना खान और जायरा वसीम का नाम शामिल है, जिसके बाद इन्हीं अभिनेत्रियों की लिस्ट में अब एक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री भी शामिल हो गई है। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह जैसे तमाम बड़े भोजपुरी स्टार्स के साथ काम कर चुकी अभिनेत्री सहर अफशान ने भी सिनेमा जगत को अलविदा कह दिया है। सहर अफशान ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करके दी है। सहर अफशान द्वारा अचानक एक्टिंग की दुनिया छोड़ने से उनके फैंस काफी परेशान हो गए हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस सहर अफशान ने अपने लंबे चौड़े पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि आप सभी को मैं बताना चाहती हूं कि मैंने तय कर लिया है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने जा रही हूं और मुझे इससे अब कोई लेना देना नहीं है, और कहा कि इंशाअल्लाह अपना अगला जीवन मैं इस्लामिक शिक्षा और अल्लाह के बनाए गए नियमों के अनुसार गुजारने का इरादा रखती हूं, और कहा कि अतीत में मैंने जिस तरह से अपना जीवन जिया है उसके लिए अल्लाह से मैं क्षमा भी चाहती हूं। सहर अफशान का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और सहर के कई फैंस ने इस पोस्ट पर कमेंट भी करना शुरू कर डाला है। वही सहर अफशान के इस फैसले पर सना खान ने भी खुशी जताई है। सहर के पोस्ट पर उन्होंने कमेंट करते हुए कहा है कि माशाल्लाह मेरी बहन, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह हर कदम पर तुम्हें इस्तेकामत दे, तुम और लोगों को भी प्रेरित करो और इंसानियत के लिए तुम जरियाए खैर बनो। खबर है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जुड़ी हुई, तो बता दें सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में दर्ज भ्रष्टाचार के दो मामलों के संबंध में सत्यपाल मलिक से पूछताछ की है। मलिक द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर अप्रैल में भ्रष्टाचार के दोनों मामले दर्ज किए गए थे। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई टीम ने इस सप्ताह की शुरुआत में उनकी टिप्पणियों का विवरण लिया। खबर है सीबीआई से, तो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में दर्ज भ्रष्टाचार के दो मामलों के संबंध में सत्यपाल मलिक से पूछताछ की है। मलिक द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर अप्रैल में भ्रष्टाचार के दोनों मामले दर्ज किए गए थे। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई टीम ने इस सप्ताह की शुरुआत में उनकी टिप्पणियों का विवरण लिया है। यह बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि सीबीआई टीम ने इस हफ्ते की शुरुआत में उनकी टिप्पणियों का विवरण लिया, और ये पूछताछ तब हुई जब राज्यपाल के रूप में मलिक का 5 साल का कार्यकाल 4 अक्टूबर को खत्म हुआ है। मलिक को 2017 में बिहार का राज्यपाल बनाया गया था। 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर भेज दिया गया था। अगस्त 2019 में मलिक के रहते ही अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्राविधान निरस्त भी कर दिए गए थे। बाद में उनको मेघालय भेज दिया गया, जहां उनका कार्यकाल इसी महीने समाप्त हुआ। इस साल अप्रैल में सीबीआई ने मलिक द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में 2 प्राथमिकी दर्ज की। इनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए सामूहिक चिकित्सा बीमा योजना और कीरू जल विद्युत परियोजना से संबंधित लगभग करोड़ों रुपए का ठेका शामिल था। अब खबर गोल्ड तस्करी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हैदराबाद कस्टम विभाग ने दुबई से आने वाली फ्लाइट से एक महिला को स्टक के आधार पर रोका। जब उसकी तलाशी ली गई तो पता चला कि उसने हेयर बैंड में सोना छिपा कर रखा हुआ है।
इसके बाद अन्य महिलाओं की भी तलाश ली गई तो दो और महिलाएं पकड़ी गई जिन्होंने अंतर वस्त्र पर सोना छिपाया हुआ था। खबर हैदराबाद से है तो हैदराबाद कस्टम विभाग ने दुबई से आने वाली फ्लाइट से एक महिला को शक के बिना पर रोका। जब उसकी तलाशी ली गई तो पता चला कि उसने हेयर बैंड में सोना छिपाकर रखा हुआ है। इसके बाद अन्य महिलाओं की तलाशी ली गई तो दो और महिलाएं भी पकड़ी गई जिन्होंने अंतर वस्त्र पर सोना छिपाया हुआ था। तो बता दें कि हैदराबाद के सीमा शुल्क विभाग ने दुबई से आने वाली फ्लाइट से तीन महिलाओं को और कुवैत से आने वाले दो पुरुष यात्रियों को गिरफ्तार किया है, जो कि विमान संख्या J9403 से दो सोने की छड़ें, बटन और उनके चेक इन बैगेज के अंदर छिपाकर ला रहे थे। इन जब्त किए गए सोने का कुल वजन 855 ग्राम बताया जा रहा है। हैदराबाद कस्टम को हवाई अड्डे पर लगातार स्मगलिंग का माल दुबई से लाए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कस्टम विभाग ने सख्ती की और करोड़ों के सोने चांदी के सामान पकड़ में आने लगे। दुबई की फ्लाइट से आई एक महिला पैसेंजर को रोका गया, जिसने अपने हेयर बैंड और ड्रेस के कुछ हिस्सों में 234 ग्राम सोना छिपाकर रखा हुआ था। जिसके बाद तलाशी ली गई तो एक के बाद एक तीन और महिला यात्री कस्टम विभाग के शिकंजे में आ गई, जिन्होंने अपने वस्त्र के अंदर सोना छिपा रखा था। वायरल न्यूज फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वायरल न्यूज।